जनपद प्रतापगढ़ से, जहां पर जय बजरंग शाखा नवडेरा सुवंसा द्वारा मकर संक्रांति का भव्य आयोजन हुआ संपन्न, जिसमें हिंदू जागरण मंच के प्रांत संपर्क प्रमुख अधिवक्ता श्रीमान राजेश त्रिपाठी जी का उद्बोधन हुआ। आओ चलें सहबोध से सहज भोज की ओर का आह्वान करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन विनीत मिश्र खंड कार्यवाह गौरा और सुनील कुमार पांडे पत्रकार न्यूज फर्स्ट व खंड शारीरिक शिक्षण प्रमुख गौरा द्वारा किया गया, जिसमें मुकेश पांडे जी, सतीश विश्वकर्मा जी, धीरज ओझा जी, पंकज कुमार पांडे एडवोकेट, हेमंत शुक्ल जी, अमीन जी, अनिल सिंह जी, ललित मिश्र जी, विकास जी, सुहम जी, मनोज शुक्ल जी, विनोद बीडीसी, राकेश बिंद, राजेंद्र मौर्य, प्रवीण शर्मा के साथ समस्त कार्यकर्ता बंधु व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सब लोगों की मन से, हम पर हित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगा दें। हम मेहनत के दीप जला कर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। माँ सरस्वती के इस मंदिर पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है, माँ सरस्वती को भी प्रणाम करता हूँ। ये उनका प्रांगण है, हम जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं वो मंदिर ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम में हम सभी बंधुओं को ये लगता होगा, हमारे जो और भी हमारे कार्यकर्ता हैं खंड स्तर के, विनीत जी खंड के अपने कार्यकर्ताओं में भाई मुकेश पांडे जी, सुनील जी, हमारे खंड के खंड कारवा माननीय विनीत जी, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में हमको आमंत्रित। और यह कार्यक्रम आपने प्रारंभ ही किया, कई वर्षों से कर रहे हैं। ये सहभोज और सहज भोज की बात कहा आपने, सहभोज तो बहुत होता है दिखावे के लिए, सहज भोज की ओर हमको बढ़ना चाहिए, हमको सरलता लानी चाहिए, वास्तविकता में आना चाहिए। अब आप कहेंगे सहभोज, जैसे हम सबसे पहले तो ये माने कि हिंदू समाज क्या है। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा नागपुर के मोहितेवाड़ा नामक स्थान पर प्रारंभ किया गया। अब इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? वास्तव में देश में राष्ट्रभक्ति का अभाव था। हम हजारों वर्ष से गुलामी झेलते चले आ रहे, बीच बीच में तमाम बार ऐसा अवसर आया कि हमको गुलामी से मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव होने के कारण हम अपने आप में खड़े नहीं हो सक रहे थे। ऐसी परिस्थिति को डॉक्टर साहब ने देखा
तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब वास्तव में डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद जब आए तो उनके लगा परिवार तो बड़ा गरीब था, गरीब परिवार से थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टरी करने जाए बड़े बड़े संस्थानों से उनके लिए आता था कि भाई आप आइए हमारे यहाँ डॉक्टर हो जाइए, विदेशों से भी आता था कि हमारे यहाँ डॉक्टर हो जाइए, लेकिन हमारे इस समाज में कितनी तगड़ी बीमारी थी इसे कैसे दूर किया जाए, उन्होंने इसकी डॉक्टरी शुरू कर दी, समाज की बीमारी दूर करने की डॉक्टरी कैसे हो, जहाँ ये वो समाज है जहाँ 10 मीटर की तराजू पर रखिए पता लगता है जब तक कांटा सीधा होगा तब तक पांच फीट, हिंदू समाज आज भी आज के वर्तमान ऐसा हिंदू समाज है तो हिंदू न जानता है न मानता है, वो पहले किस्म वो नंबर एक किस्म का हिंदू, दूसरे किस्म का हिंदू है जो जानता तो है कि मैं हिंदू, वो जानता